दोस्तों, हम सभी ने विक्स का नाम कभी ना कभी सुना होगा तथा इसका उपयोग भी किया होगा। विक्स हम भारतीयों की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसमें विक्स का इस्तेमाल ना किया जाता हो। भारतीय माँ अपने बच्चों को सर्दी जुकाम से राहत देने के लिए विक्स का उपयोग कई वर्षों से कर रही हैं। विक्स को बच्चों के छाती पर लगा दिया जाता है तथा बड़े भी इसका उपयोग इसी तरह से करते देखे जा सकते हैं। विक्स न केवल लगाने से बल्कि विक्स की भाप लेने के भी बहुत अधिक फायदे हैं। इस वीडियो में जानते हैं। आप सोच रहे होंगे, यह तो सबको पता है कि भाप लेना क्या है, फिर इसकी यहाँ बताने की आवश्यकता क्या है। कई लोग सिर्फ पानी गर्म करके उसमें विक्स या कोई और औषधि मिलाकर के चेहरे पर भाप लेने को भाप लेना समझते हैं, जबकि सही से भाप लेना इससे कुछ ज्यादा ही है। भाप इस तरीके से ली जानी चाहिए कि हमारे पूरे शरीर को, प्रत्येक अंग को लाभ पहुँचे। कई बार लोग भाप लेने से लाभ कम नुकसान अधिक प्राप्त करते हैं, इसलिए यह जानना आवश्यक है भाप कैसे लेते हैं, यह कैसे काम करती है। जानते हैं भाप लेने का सही तरीका। विक्स की भाप लेने का सही तरीका, राइट मेथड ऑफ विक्स स्टीमिंग इन हिंदी। विक्स की भाप लेने के फायदे जानने से पहले हमें यह पता हो कि विक्स की भाप लेने का सही तरीका क्या है। यदि हम विक्स की भाप लेने के फायदे उठाना चाहते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि विक्स की भाप सही तरीके से कैसे ले, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। जानते हैं विक्स की भाप लेने का तरीका। सबसे पहले किसी बर्तन में 1 से 2 लीटर पानी अच्छे से गर्म कर ले। पानी पूरी तरह से गर्म हो जाना चाहिए, इतना कि उसमें भाप उठने लगे। अब इस पानी को एक छोटी प्यादी, छोटा मुंह वाले भगोने या पतीले में कर लीजिए। अब 1 चम्मच के करीब विक्स को उसे खोलते पानी में मिला दीजिए। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि सभी जगह विक्स की सुगंध फैल गई है। एक स्वच्छ तौलिया लीजिए, ज्यादा छोटी तौलिया ना ले। तौलिया इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपका चेहरा व गर्म जल के बर्तन को पूरी तरीके से ढक ले। अपने चेहरे को तौलिया से ढकने के बाद धीरे धीरे श्वास अंदर खींचिए तथा 5-10 सेकंड रुकने के बाद श्वास बाहर छोड़िए। जब तक पानी गर्म रहे तथा उसमें से भाप निकलती रहे, तब तक भाप लेते रहें। सर्दी जुकाम, गले में खरखराहट या बलगम की शिकायत होने पर आप दिन में 2 बार इस तरह से भाप ले सकते हैं। विक्स की भाप लेने के फायदे। विक्स की भाप लेने के फायदे कई हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण फायदे निम्न हैं। विक्स की भाप लेने के फायदे त्वचा के लिए। चेहरा साफ करती हैं। हमारे वातावरण में हमेशा धूल के कण मौजूद रहते हैं, जिसके कारण हमारी त्वचा पर गंदगी जमा हो जाती है। सबसे अधिक धूल गंदगी हमारे चेहरे पर इकट्ठा हो जाती है। चेहरे को साधारण पानी से धोने से भी पूरी तरह से गंदगी साफ नहीं होती, क्योंकि यह भीतरी त्वचा तक पहुंच जाती है, लेकिन भाप लेने से चेहरे की त्वचा को पूरी तरह से साफ किया जा सकता है। आप चाहे तो विक्स की भाप ना लेकर साधारण गर्म जल की भाप चेहरे पर जमा गंदगी सफा करने के लिए ले सकते हैं। त्वचा में रक्त का प्रवाह बढ़ाती है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे जिस हिस्से में रक्त का प्रवाह अधिक व भली भांति होता है, वहां की त्वचा ज्यादा चमकती है व सुंदर दिखाई देती है। यदि आप चेहरे पर चमक बढ़ाना चाहते हैं तो निरंतर भाप लेना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। भाप लेने के त्वचा के लिए कई फायदे हैं, जैसे भाप लेना मुहासे करने वाले बैक्टीरिया को मारती है। भाप लेना त्वचा के लिए लाभदायक तेल की मात्रा को बढ़ाता है। विक्स की भाप लेने के फायदे खांसी की समस्या में। खांसी की समस्या बहुत आम सी है, लेकिन यह हमें बहुत परेशान भी कर देती है। जिस व्यक्ति को खांसी की समस्या हो रही हो, उसके लिए विक्स की भाप लेना बेहद कारगर साबित हो सकता है। खांसी की दिक्कत होने पर मरीज को दिन में 2 से 3 बार भाप अवश्य लेनी चाहिए। विक्स की भाप लेने के फायदे जुकाम में। जुकाम या नजला एक साधारण सी बीमारी है जो हम में से हर किसी को समय समय पर होती रहती है। थोड़ा बहुत जुकाम को तो आदमी बिना किसी दिक्कत के कोई भी काम कर लेता है, लेकिन यदि जुकाम बहुत अधिक हो तो कोई काम करना तो दूर, बोलना भी मुश्किल हो जाता है। यदि आप भी सर्दी जुकाम की समस्या से जूझ रहे हैं तो विक्स की भाप लेना बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। सर्दी जुकाम होने पर दिन में 2 से 3 बार भाप अवश्य ले। विक्स की भाप लेने के फायदे छाती के बलगम में। यदि आपको छाती में बलगम जैसा महसूस हो रहा है तो आपको विक्स की भाप लेने के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। वैसे तो विक्स की भाप लेने के फायदे हर प्रकार के बलगम में है, लेकिन छाती में जमा बलगम में भी यह बहुत कारगर है। छाती का बलगम दूर करने के लिए आपको अपने एक हाथ से नाक बंद करके मुंह से भाप अंदर खींचनी है तथा कुछ समय भाप भीतर ही रोककर छोड़नी है। 4-5 मिनट ऐसा करने के बाद मुंह बंद करके नाक से भाप श्वास के साथ भीतर लेनी है तथा 10-15 सेकंड रुकने के बाद श्वास बाहर छोड़ देनी है। विक्स की भाप लेने के फायदे अस्थमा में। अगर भाप अच्छी प्रकार से ली जाए तो यह अस्थमा के रोगी के लिए फायदेमंद होती है।
भाप लेना सीने के कफ को खत्म करता है तथा राहत पहुंचाता है। अस्थमा के रोगी को विक्स की भाप लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य करना चाहिए। विक्स की भाप लेते समय सावधानियां। विक्स की भाप लेते समय हमें कुछ सावधानियों का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इन सावधानियों का ध्यान रखने से हम भाप से होने वाली छोटी मोटी समस्या से बचे रह सकते हैं। जानते हैं विक्स की भाप लेते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। श्वास के रोगी को विक्स की भाप लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए। श्वास के रोगी के लिए भाप लेना कई बार नुकसानदायक साबित हो सकता है। विक्स की भाप लेते समय आंखों को बंद रखना चाहिए, जिससे आंखों पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव न पड़े। विक्स की भाप लेने के फायदे प्राप्त करने के लिए चेहरे को गर्म जल के बर्तन से उचित दूरी पर रखना चाहिए। चेहरा गर्म पानी के करीब होने से उसकी गर्मी से त्वचा जल भी सकती है। अगर हाल ही में आपकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है तो आपको भाप लेने से बचना चाहिए या अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए।